Hello everyone, welcome to the session today. My name is Shubham Singhania and I am your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2 Commerce and Management. तो जैसे कि आपको पहले ही पता है कि हम एक करंट अफेयर सीरीज चला रहे हैं जिसके अंदर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस कवर कर रहा हूँ जो आपके UGC NET Paper 1 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमें रिक्वेस्ट आ रही थी कि जो पास्ट ईयर में करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ऑन द टॉपिक्स ऑफ पीपल एंड एनवायरनमेंट एंड हायर एजुकेशन वो स्टूडेंट्स कवर नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू द ह्यूमंगस सिलेबस जो है। सो इसीलिए हमने सोचा कि आप पे थोड़ा सा बर्डन कम किया जाए और ये करंट अफेयर्स हम आपके लिए कवर करें। सो इसका मतलब ये है कि अगर आपने ये वीडियो देख ली है रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स तो आपको अलग से कुछ भी तैयार करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि हम करंट अफेयर्स कवर करेंगे फॉर द मंथ ऑफ जुलाई टिल अक्टूबर बिकॉज ये चार ऐसे मंथ्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल हैं जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे हमने निकाले हैं कि इन चार पांच मंथ्स से ही पास्ट ईयर क्वेश्चंस आएंगे फॉर योर दिसंबर 2019 अटेम्प्ट। इससे पहले अगर आपने हमारे जुलाई 2019 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर दिए गए आई लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और उस वीडियो को देख सकते हैं। आई एम श्योर कि वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगेन आप ऊपर दिए गए आई लिंक पे क्लिक करके हमारे चैनल यूजीसी नेट को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी यूजीसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहें। बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए फ्रॉम द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर एंड क्या करंट अफेयर्स आने के चांसेस हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्टीट्यूशन हैज पार्टनर्ड विद अमेजन वेब सर्विसेज टू डेवलप द नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसोर्स प्लेटफॉर्म टू प्रमोट लर्निंग एंड डेवलपमेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है बिकॉज कोलैबोरेशंस एज वेल एज डेवलपमेंट पे काफ़ी ज़्यादा नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इन टॉपिक्स को ठीक से समझ लें ताकि अगर ये क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट एग्जाम में आते हैं तो आप उन्हें कर पाएंगे। तो यहाँ पे दो एस्पेक्ट पे ध्यान देना है। पहला एस्पेक्ट ये है कि किससे पार्टनर किया गया है, दैट इज अमेजन वेब सर्विसेज से, तो ये हमें पता चल गया। एंड द सेकेंड इज किस चीज के लिए पार्टनर किया जा रहा है या फिर किस चीज से रिलेटेड बात हो रही है, तो वो भी हमें पता चल गया, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में मैं आपको ब्रीफ में पहले ही बता चुका हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नई एडवांसमेंट है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी जहां पे जो पहले काम ह्यूमन ब्रेन किया करता था या आप कह सकते हैं कि ह्यूमन की जोर होती थी, अब वैसे काफी सारे काम हम टेक्नोलॉजी के थ्रू कर सकते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन ने पार्टनर किया है। तो एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। इज इट ए आईआईटी कानपुर, इज इट बी आईआईटी दिल्ली, इज इट सी आईआईटी खड़गपुर और इज इट डी आईआईटी बॉम्बे। सो मैं आपको बता दूं कि इसका जो आंसर है वो है आईआईटी खड़गपुर। दैट इज आईआईटी खड़गपुर ने एक पार्टनरशिप की है अमेजन वेब सर्विसेज से ताकि वो नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसोर्स प्लेटफॉर्म बना पाए एंड एआई में हम ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट कर पाए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च अ पायलट प्रोजेक्ट टू रिड्यूस द वेट ऑफ स्कूल बैग्स ऑफ चिल्ड्रन। आपने कई बार प्राइम मिनिस्टर दैट इज नरेंद्र मोदी सर की मन की बात में सुना होगा कि वो काफी बार इस चीज का जिक्र करते हैं कि जो वेट है बैग्स का स्कूल स्टूडेंट्स का वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है और इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल टेक्नोलॉजी पे फोकस कर रहे हैं ताकि हम जो उनकी बुक्स हैं उनका वेट कम कर सकें और वो बर्डन फ्री हो सकें। सो यहाँ पे हमारा जो एम है वो ये है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पायलट प्रोजेक्ट चलाया है ये देखने के लिए कि क्या रिड्यूस करने से वेट का बैग स्टूडेंट्स को फ़ायदा होता है, क्या वो ज़्यादा स्कूल जाते हैं, क्या उनको ज़्यादा मन लगता है पढ़ाई करने में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो हमें उस स्टेट के बारे में बताना है। एक बार चारों ऑप्शंस देख लेते हैं। इज इट ए महाराष्ट्र, इज इट बी गुजरात, इज इट सी उत्तर प्रदेश और इज इट डी राजस्थान। सो बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बट इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं और अगर आपको नहीं आता है तो आप सीधे आंसर गलत कर देंगे। सो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है डी, दैट इज राजस्थान। सो राजस्थान हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च अ पायलट प्रोजेक्ट इन दिस रिगार्ड। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इंस्टीट्यूशन हैज पार्टनर्ड विथ माइक्रोसॉफ्ट इंडिया टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू स्कूल टीचर्स फ्रॉम क्लास 8 to 10 अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। सो अब आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं बिकॉज अगेन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस इंस्टीट्यूशन ने पार्टनर किया है।
इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको ध्यान देना है कि किस इंस्टीट्यूशन से पार्टनर किया जा रहा है, दैट इज यहाँ इस क्वेश्चन में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया से किया जा रहा है, और पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमने अमेजन वेब सर्विसेज से किया था, और किसके रिस्पेक्ट में किया जा रहा है वहां भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डेवलपमेंट से रिलेटेड एस्पेक्ट के बारे में बात कर रहे थे, और यहां पे हम बोथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पे एम यह है कि ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाए स्कूल टीचर्स को, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, थोड़ा सा मैं ब्रीफ आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बता देता हूं। क्लाउड कंप्यूटिंग एक तरीके का स्टोरेज डिवाइस होता है जहां पे आप बिना मेमोरी को यूज किए हुए क्लाउड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर के जरिए या क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्निक के जरिए अनलिमिटेड स्पेस में चीजों को सेव कर सकते हैं, फाइल्स को सेव कर सकते हैं। तो एक टाइप का स्टोरेज मैकेनिज्म है जो एडवांस टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। तो ये थोड़ी सी बात हो गई क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। अब हमें बताना है कि कौन से इंस्टीट्यूशन ने पार्टनर किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। तो आइए एक बार सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। इज इट MHRD, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इज इट UGC, दैट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और इज इट CBSE, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और इज इट डी बोथ ANP। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है सी, दैट इज CBSE। सो CBSE ने पार्टनर किया है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया से विद रिगार्ड टू डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग फॉर स्कूल टीचर्स। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज स्टार्टेड द फर्स्ट एवर, इस चीज पे ध्यान देना है स्टूडेंट बहुत ज्यादा, फर्स्ट एवर मास्टर्स कोर्स इन डिजिटल डिसिप्लिन टू प्रोवाइड डिजिटल स्किल्स टू द प्रोफेशनल्स टू मेक देम एफिशिएंट लीडर्स इन द इमर्जिंग डिजिटल एनवायरमेंट। अब आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा डिजिटाइजेशन के बारे में बात कर चुके हैं थ्रू आउट द ईयर, बहुत सारी स्कीम्स आई हैं जिन्होंने डिजिटल पोर्टल के बारे में, डिजिटल फ्रेमवर्क के बारे में ऑलरेडी बात करी है, बट एक प्रोफेशनल कोई कोर्स नहीं अवेलेबल था, या आप कह सकते हैं कोई मास्टर्स कोर्स नहीं अवेलेबल था जहां पे हम एक्चुअली उनको डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में ट्रेन कर सकें या फिर नॉलेज या स्किल्स इम्पार्ट करा सकें। सो अब एक स्टेट ने ये इनिशिएटिव ले लिया है, या आप कह सकते हैं कि अब एक इंस्टीट्यूट ने ये इनिशिएटिव ले लिया है और वो आपको फर्स्ट एवर मास्टर्स कोर्स प्रोवाइड कर रहा है इन डिजिटल डिसिप्लिन। सो हमें उस इंस्टीट्यूट का नाम बताना है, एक बार ऑप्शंस को देख लेते हैं। इज इट AIIT Delhi, इज इट BIIM Lucknow, इज इट CIIM Bangalore, और इज इट DIIM Udaipur। सो मैं यहां पे आपको बता दूं कि जो करेक्ट आंसर है वो है डी, दैट इज IIM Udaipur। सो IIM Udaipur ने ये इनिशिएटिव लिया है। अब दो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल हैं बट इंपॉर्टेंट बहुत है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और ये 10-15 मिनट में जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, कुछ 8-10 क्वेश्चंस, इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये आपके एग्जाम में आ जाएं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हैज इशूड द लाइफ स्किल्स करिकुलम नेम्ड एज डैश, विच हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय UGC फॉर प्रोवाइडिंग द लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग टू द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि लाइफ स्किल्स होती क्या है। सो स्टूडेंट्स, लाइफ स्किल्स वो होती है जो आपको पूरे लाइफ काम आती है, और लाइफ स्किल्स का कुछ एग्जांपल अगर मैं दूं तो वो हो सकती है क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग अगर आपको एक बार बचपन में सिखा दी गई या स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे सिखा दी गई तो आप उसका यूज़ पूरे लाइफ कर सकते हैं और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। सिमिलरली सेल्फ अवेयरनेस, खुद को जानना, आप अपने आप को कितना समझते हैं, आप अपनी नीड्स को कितने अच्छे से आइडेंटिफाई करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग अप्रोच, क्या आप क्रिटिकल थिंकिंग में बिलीव रखते हैं, क्या आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, क्या आप लॉजिकली एज वेल एज रैशनली एंड इमोशनली डिसीजन मेकिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें लाइफ स्किल्स का पार्ट होती हैं। तो अब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने एक करिकुलम बना दिया है विद सर्टेन नेम, जहां पे वो UGC की हेल्प से लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा किसको, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट्स को। सो ये तीन एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज लाइफ स्किल्स प्रोग्राम UGC ने प्रिपेयर किया है एंड फॉर होम, दैट इज अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए। सो एक बार उस स्किल का, या फिर कह देते हैं उस स्किल्स जो करिकुलम है उसका नाम देखते हैं। ऑप्शंस हैं हमारे पास समग्र शिक्षा अभियान, जीवन कल्याण, जीवन कौशल, जीवन वृद्धि। तो जो करेक्ट आंसर यहां पे है वो है सी, दैट इज जीवन कौशल, दैट इज आपकी लाइफ की बेनिफिट्स के लिए। सो नाम भी जुड़ा हुआ है लाइफ से, सो सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैव लॉन्च द 1000 PhD फेलोशिप प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम एशियन। सो एशियन का फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट्स, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये हमें फुल फॉर्म पता होना चाहिए,
और यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि ये एशियन यूनिवर्सिटीज़ के लिए या एशियन नेशंस के लिए एक 1000 पीएचडी फेलोशिप प्रोग्राम ऑफर किया गया है और ये किस आईटी को काम दिया गया है कि वो उसे कोऑर्डिनेट करे। सो ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, और हमें यहाँ पे बता रहा है कि किस आईआईटी को चूज किया गया है फॉर एक्टिंग एज अ कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट फॉर द फेलोशिप प्रोग्राम। सो एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं, इज इट आईआईटी बॉम्बे, इज इट आईआईटी गुवाहाटी, इज इट आईआईटी दिल्ली और इज इट आईआईटी कानपुर। सो अगेन आप बैक टू बैक देख रहे हैं कि मैं आज आपके सामने फैक्चुअल क्वेश्चन लेके आया हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, सिर्फ आपने 10 मिनट की वीडियो देखी और 10-12 चीज़ें आपके दिमाग में बस जाएंगी। सो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है सी, आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली बहुत ही कोवेटेड आईआईटीज है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसर्च और पीएचडी को फॉस्टर किया जाता है, इसलिए आईआईटी दिल्ली को ये कोऑर्डिनेटिंग का काम दिया गया है कि वो फॉरेन स्टूडेंट से रिलेटेड, एशियन नेशन से रिलेटेड जो पीएचडी फेलोशिप हैं उनको कोऑर्डिनेट करवाए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। अब ये जो क्वेश्चन आ रहा है ये आ रहा है पीपल एंड एनवायरमेंट के टॉपिक से। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हायर एजुकेशन एंड पीपल एंड एनवायरमेंट ही दो टॉपिक हैं जहां से कॉन्टिन्यूसली करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आते रहते हैं। सो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट हैज़ रिलीज द नेशनल रिसोर्स एफिशिएंसी पॉलिसी 2019 ड्राफ्ट। ड्राफ्ट है मतलब अभी फाइनल नहीं हुआ है, प्रेजिडेंट का एसेंट नहीं मिला है, विच एम्स टू डबल द रिसाइकिलिंग रेट ऑफ की मटेरियल्स टू डैश बाई 2025 एंड इनेबल अपसाइकिलिंग ऑफ वेस्ट। इसका मतलब है बहुत ज़्यादा रिसाइकिलिंग के रेट को बढ़ाने का टारगेट बनाया गया है इस ड्राफ्ट पॉलिसी के अंदर, और हमें बताना है कि वो टारगेट परसेंटेज क्या है जो अचीव करना है हमें बाय 2025। सो इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन पास्ट ईयर में भी पूछे गए हैं, सो इसीलिए मैं ये फैक्चुअल क्वेश्चन लेके आया हूँ। सो एक बार ऑप्शंस को देख लेते हैं, इज इट ए 40%, इज इट बी 50%, इज इट सी 60% और इज इट डी 80%। तो मैं यहाँ आपको बता दूँ जो रिसाइकिलिंग रेट एक्सपेक्ट किया जा रहा है बाय 2025 या जिसका टारगेट बनाया गया है वो है बी, डैट इज 50%। सो अगेन आपने सिर्फ एक वीडियो देखी और इस पर्टिकुलर फैक्ट को याद कर लिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ईपीएफओ हैज पार्टनर्ड विद विच इंडियन इंस्टीट्यूट टू क्रिएट अ पूल ऑफ ऑफिशियल्स हु कैन बेटर हैंडल द इंक्रीजिंग कॉर्पस ऑफ ईपीएफओ वर्थ मोर देन रुपीज 11 trillion। तो जैसे आपने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट्स हो गई हैं वो रिस्की वेंचर्स हो गए हैं, एंड गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रही है कि आप प्रोविडेंट फंड में अपनी सेविंग्स डालें ताकि आप फ्यूचर में अपने रिटायरमेंट के एज में कोई प्रॉब्लम्स ना आपको हो। सो इसलिए काफ़ी ज़्यादा नए नए ऑफिशियल्स चाहिए हमें जो प्रॉपरली ट्रेंड हो, जो वेल इक्विप्ड हो, ताकि जो रिलेटेड रिस्पॉन्सेज की क्वेरीज आती हैं, जो हमारे इम्प्लॉयज़ की क्वेरीज आती हैं, उनको प्रॉपरली हैंडल किया जा सके। सो इट हैज़ मेड अ पार्टनरशिप विथ वन ऑफ द इंस्टीट्यूट्स जो उनको प्रॉपरली ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, जो उनको प्रॉपर ट्रेन करेगा और बताएगा कि क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं जिससे वो बहुत आसानी से एफिशिएंटली उनकी क्वेरीज को ले सके। सो एक बार इंस्टीट्यूशंस के ऑप्शंस देख लेते हैं, इज इट आई एम अहमदाबाद, इज इट IIM कैलकटा, इज इट IIM लखनऊ और इज इट IIM बैंगलोर। सो इन चारों में से कोई एक इंस्टीट्यूट है जिसने पार्टनरशिप करी है। सो जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे वो है डी, दैट इज IIM बैंगलोर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर 2020 एज डैश ईयर इन तेलंगाना। तो जैसे कि आप देखते हैं कि कई सारे स्टेट होते हैं वो अपने स्टेट के पर्टिकुलर ईयर में, लेट अस से इन द ईयर 2019 और 2020, वो कुछ मिशन लेके चलते हैं जहाँ पे वो बताते हैं कि पूरे ईयर हमारा ये टारगेट रहेगा, हमारा ये एम रहेगा कि हम पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर एंगल पे फोकस करें और एटलीस्ट एक एलिमेंट को बहुत इंप्रूव करें या फिर डेवलपमेंट की तरफ बढ़ाएं। सो यहाँ पे अगेन हमसे पूछा जा रहा है कि तेलंगाना स्टेट ने 2020 के लिए अपने स्टेट का क्या थीम बनाया है या फिर क्या टारगेट दिया है फॉर द ईयर 2020। सो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, इज इट ए वाटर कंजर्वेशन, इज इट बी डिजिटल एडवांसमेंट, इज इट सी वुमेन एम्पावरमेंट और इज इट डी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको इस क्वेश्चन में हो सकता है कि आंसर सुन के झटका लगे, बट तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर 2020 एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईयर इन तेलंगाना। तो इसका मतलब यह है कि उसके पूरे साल पे उसका बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द इकोनॉमी एज वेल एज अदर सेक्टर्स। और आप देख रहे हैं कि सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो आए हैं आज वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आए हैं। सो इसका मतलब ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, उस पर बहुत ज़्यादा सेंटर बनाया जा रहा है बोथ इन स्टेट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट।
आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे की तरफ. इंटरनेशनल डे ऑफ पीस इज ऑब्जर्व अराउंड द वर्ल्ड ईच ईयर ऑन 21 सितंबर. तो सबसे पहले तो आपको यह इंफॉर्मेशन याद कर लेनी है कि इंटरनेशनल डे ऑफ पीस किस दिन मनाया जाता है. दैट इज इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 21 सितंबर. एंड द थीम फॉर द ईयर 2019 वॉज. सो अगेन जब भी हम इंटरनेशनल डे ऑफ पीस बनाते हैं तो हम एक थीम रखते हैं ताकि उससे रिलेटेड चीज़ों को हम प्रमोट कर सकें, फॉस्टर कर सकें, उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान कर सकें और उसके अकॉर्डिंगली उस साल एक्टिविटी या फिर इनिशिएटिव्स किए जाते हैं. सो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि फॉर द ईयर 2019 क्या थीम था इंटरनेशनल डे ऑफ पीस का. तो एक बार ऑप्शंस को देख लेते हैं. वॉज इट फोकस्ड ऑन क्लाइमेट एक्शन फॉर पीस, वॉज इट फोकस्ड ऑन वाटर कंजर्वेशन फॉर पीस, वॉज इट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फॉर पीस और वॉज इट सोशल हार्मनी फॉर पीस. अगर आपने न्यूज़ में पढ़ा है, अगर आपने न्यूज़ देखी है तो आप इसका आंसर बहुत क्लियर कट दे सकते थे. अगर नहीं भी देखी है और अब आपने हमारी वीडियो देख ली है तो अगेन आप इसका आंसर कर सकते हैं. तो यहाँ जो क्लियर कट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, डेट इज़ क्लाइमेट एक्शन फॉर पीस. सो बहुत ज़्यादा क्योंकि क्लाइमेट में डिटोरिएशन आ रही है, बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन आ रही है, इसलिए इस साल फोकस ये था कि हम क्लाइमेट में इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करें और उससे रिलेटेड हम इनिशिएटिव्स लें. सो जो क्लियर कट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, डेट इज़ क्लाइमेट एक्शन फॉर पीस. सो दैट वॉज ऑल फॉर टूडे. आई होप जो आज हमने ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे. इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी या कंसर्न है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वर्किंग हार्ड. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.